हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। भगवान आप सबको बहुत अच्छा रखे, हेल्दी रखे। आप सब मेरी फैमिली हो, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, दोनों एक साथ आई हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करें, पर हाँ, बैड न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है हमारे लिए। आप मुझे फॉलो करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट वगैरह देखते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो नहीं रहे हैं। हम बच्चों को वो अकेला छोड़ के चले गए हैं। डाइजेस्ट नहीं होती हैं ऐसी चीज़ें जब कोई एकदम फिट और फाइन हो और वो अचानक से ऐसे आपको छोड़ के चला जाए। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल सही थे, बट सब कुछ इतना जल्दी हो गया कोरोना की वजह से। बहुत से इनोसेंट लोगों की जान गई है, बहुत से इनोसेंट लोगों की जान, मतलब जिन्हें कोरोना नहीं है उनको भी इसकी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। डॉक्टर्स नहीं देखते किसी को, समय नहीं देखता किसी को। तो 12 सितंबर को मैं फादर इन लॉ की डेथ हो गई है, वो चले गए हम बच्चों को छोड़ के, और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला टाइम है, बहुत टफ टाइम है। क्योंकि मम्मी तो पहले से ही नहीं थी, मेरी सासू माँ नहीं है, वो भी चली गई थी जब उनके बच्चे बहुत छोटे थे, और अब फादर इन लॉ भी नहीं रहे हैं, तो बस हम चार मेंबर बचे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी सिस्टर इन लॉ। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए इस सिचुएशन को फेस करना। चीज़ें इतनी जल्दी हो गई, इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। अभी तक तो हम उनके जो जाने के बाद रिचुअल्स वगैरह जो होते हैं, 10वां 13वीं, उन्हीं सब में उलझे रहे, पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। सब कुछ अपने आँखों से देखा है, अपने हाथों से किया है उनके लिए, बट दिल नहीं मानने को तैयार हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा लगता है वो बस यहीं कहीं गए हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पे गए हैं, आ जाएंगे एक दो दिन में, बस यही हर टाइम फील होता है। बहुत टफ टाइम है, बहुत मुश्किल हो रही है उनके बिना चीज़ों को हैंडल करने की। जब कोई बड़ा नहीं होता आपके घर में, सब बच्चे ही होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ संभालना। तो ठीक, 12 सितंबर को उनकी डेथ हुई, और मेरी यूट्यूब की इनकम आई थी 11 सितंबर को रात के 12 बजे। मुझे मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में मेरी अर्निंग्स जो है वो आ गई हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, हम लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि खुशी की बात थी। 2 साल से वेट कर रही हूँ, 2 साल से मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स कम्प्लीट ही होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। तो काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, सारा प्रोसेस किया, अर्निंग आएगी, खुशी थी बहुत, और आई भी, लेकिन पापा की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। तो नेक्स्ट डे उनको ये बात शेयर करते, हम बताते, मगर नेक्स्ट डे जो है, चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी से होती चली गई, सब कुछ अचानक से ऐसा हो गया कि नेक्स्ट डे पापा नहीं रहे। कुछ टाइम तक तो कुछ हो ही नहीं था, कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी, क्या हो रहा है, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट अब जब हम पिछली चीज़ें सोच रहे हैं, क्या क्या हो गया है इतने से दिनों में, क्या क्या घट गया है, तो फील होती हैं बहुत सी बातें, बहुत फील होती हैं। उन्हें बहुत खुशी होती अगर मैं उन्हें बता पाती कि मेरी यूट्यूब की अर्निंग्स आ गई हैं, क्योंकि हर माँ बाप को बहुत खुशी होती है जब वो अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, कुछ करते हुए देखते हैं, तो वो भी बहुत खुश होते, क्योंकि उन्हें मेरी जॉब, मैं जॉब करती हूँ, वो उससे खुश थे, उन्होंने मुझे परमिशन दी थी, कभी कुछ रोका नहीं किसी चीज़ के लिए,
और मैं जो भी अदर ऑनलाइन वर्क करती हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने शेयर की थी कुछ टाइम पहले उन्हें, तो उन्हें पता था, उन्हें ये भी बताया गया था कि जल्दी ही इससे अर्निंग्स होंगी हमारी, तो ये सब भी हम उनसे शेयर करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता। ऑब्वियसली हर माँ बाप को अच्छा लगता है, बट सेम डे ही मान लीजिए रात के 12 बजे मेरी अर्निंग आती है, और फिर अगले दिन में जो है पापा की तबीयत सही नहीं रहती है, वो किसी को अपने पास से हटने नहीं दे रहे थे, सबसे बातें कर रहे थे उस दिन, बहुत लाड़ प्यार जता रहे थे बच्चों से, दिन में सही थे, शाम होते होते बहुत बिजी दिन गया वो, और शाम होते होते उनकी तबीयत बिगड़ी, और रात को 9:45 तक वो चले गए हमें छोड़ के। प्लीज़ आप सब लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा, और मैं वीडियोस वगैरह आगे कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज़ हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, कुछ करूँगी नहीं, कुछ बिज़ी नहीं रहूँगी, तो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कैसे करूँगी, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, मूव ऑन कर पाएंगे हम, क्योंकि जाने वाले के साथ सब नहीं जा सकते, ज़िंदगी है उसे जीना ही पड़ता है, और अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, जो जिम्मेदारी वो हमें दे गए हैं उन सबको निभाना है। तो डियर, यूट्यूब अर्निंग के बारे में मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी जब मैं सही होंगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं वीडियो कर सकती हूँ, तो ज़रूर मैं आपसे सारा प्रोसेस शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किलें उठाई हैं इस चीज़ के लिए, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें हेल्प मिलेगी मेरी जर्नी के बारे में जान के, तो मैं अपनी जर्नी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ तब तक पेशेंस रखिए, और इतने मैसेजेस मत कीजिए वीडियोज़ के लिए, वीडियोज़ जल्दी आएंगी, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, साथ रहिए, प्यार से रहिए और सेफ रहिए। लव यू ऑल गाइस।